हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नंदू सर, आज के मॉर्निंग क्लास बिकम पाठक का 6 o'clock में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हम लोग का मुख्य विषय है टेंडर प्राइस और क्वोटेशन प्राइस। टेंडर प्राइस और क्वोटेशन प्राइस इससे पहले मैंने आप लोग को दे चुका हूं, और टेंडर प्राइस में आप लोग ने क्वेश्चन भी बनाया था जो मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोग को मैंने सारी बात बता दी थी। अब ये टेंडर प्राइस क्वोटेशन प्राइस जो आपका चल रहा है मॉर्निंग 6 o'clock टू 7 o'clock। अब देखिए थर्ड पार्ट वाले जो पिछले सेशन में भी एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक, आपको समझिए मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको या लास्ट वीक तक बिकम थर्ड का एग्जाम ले लिया जाएगा। जो सेशन को नियमित कर चुका है और आप अच्छे से समझ में कि आपके पास मुश्किल से पांच से छह मंथ बहुत जाएंगे, तो 6 months हम जोड़ते हैं तो उसमें से बाकी छुट्टियां पूजन पाती सबको हटा दीजिएगा तो आपके पास 5 months टाइम है। अब सोचिए आपके पास ऑनर्स कितना है, चार ऑनर्स है। यदि आप एक एक मंथ भी एक ऑनर्स को पढ़ेंगे फिर भी आपको 4 months तो वैसे ही गया। और आपको मैं बता दूं कि यदि आप पूरे कोर्स अटैक से कैसे सब्जेक्ट है जिसको कोई भी बच्चा डिटेल माना पढ़े तो आगे जाके उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। तो यदि किसी को विरासत में सोने की कलम भी दे दो ना, और यदि उसमें पूरे नैतिकता और शिक्षा के प्रति कूद कूद के उसके अंदर में यदि एक आग जलती हो तो वो जरूर है कि वो विरासत में दिया हुआ कलम को, वो ज्ञान की बातें और अपनी किस्मत को वो अजमाएगा। और जिनको वो पता ही नहीं है कि एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन कितना बड़का महत्ता है इसका, तो मैं आप लोगों को थकपत वाले को मैं बता दूं, हिदायतें दे रहा हूं कि अब जो है आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। जो बैच चल रही है ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, लेकिन हाँ हम हर बच्चों को हिदायतें देते हैं आप ऑफलाइन में रहेंगे तो ज्यादातर कॉन्टेंट और क्वालिटी आपको मिलेगा। कहे कि कॉन्टेंट पावर जो आपको बनेगा, कंसेप्ट पावर जो बनेगा वो ऑफलाइन का है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे सामने में होते हैं, कोर्स को समझते हैं और सामने से क्या होता है उसका जवाब मिलता है। लेकिन यही चीज यदि ऑनलाइन में होता है तो आज यदि हमको प्रॉब्लम है और डॉट प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने किया तो टुमारो नेक्स्ट डे आपको इसका जवाब आता है। तो भूख अभी लगी हुई और खाना मैं बाद में दूं तो ये कैसे होगा। वैसे पास होने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि आप गेस पेपर देकर मॉडल पेपर देकर के भी पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। वैसे भी लाखों बच्चे प्रत्येक साल पास होते हैं, ये बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, और आधा से ज्यादा तो रिजल्ट बनाने के लिए पास होते हैं और आधा से ज्यादा जो है किसी भी विधि से चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। अब कुछ बच्चे ऐसे बचते हैं जो उनका एक ही सोच रहता है कि मैं रिजल्ट तो बनाऊ ही बनाऊ, लेकिन साथ साथ मुझे कॉस्ट और टैक्स अपने ऑनर्स का डीपली नॉलेज मिले। तो इसीलिए हम कहते हैं तो डीपली नॉलेज जब तक आपके पास में नहीं होगा तब तक दिक्कत है, भारी दिक्कत है आपको। तो चलो छोटू अब हम लोग को टेंडर प्राइस का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, जरा देखेंगे क्या है। द अकाउंट ऑफ सुजाता कंपनी एलटीडी सो द फॉलोइंग द ईयर इन द 31st March 2014। सुजाता कंपनी हो या अदानी कंपनी हो, मैंने बताया भी है, कोई भी कंपनी हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बनाना क्या है इसका। सबसे पहले आगे देखते हैं, मटेरियल कंज्यूम आपके क्वेश्चन में है, डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस मुझे निकालना है। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विद वेजेस और परसेंटेज एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस का, ये मुझे काम करना है निकालना है। तो आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, अब बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और ऑनलाइन यदि करते हैं तो ऑनलाइन, उन बच्चे के लिए ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन आपके पास 6 o'clock चल रही और आप जितना जल्दी होता है आप अपने काम को गति में ला लें क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो चले क्वेश्चन चौक चलिए आइए। सबसे पहले मैं 4 number क्वेश्चन का मैं यहां पे बता रहा हूं। अब यहां पे मुझे निकालना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या मुझे निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा इसका क्योंकि कॉस्ट और टैक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हर जगह आपको काम आएगा। पार्टिकुलर्स बनेगा, उसके बाद आपके पास अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब ये इसमें सबसे पहले मुझे रखना क्या है, मेटेरियल्स कंज्यूम्ड, क्या रखना है, मेटेरियल्स कंज्यूम्ड। आपके बुक में दिया होगा कितना, 80,000 रख देंगे। और इसमें आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस, क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस, तो कितना आएगा 52,000।
ये 52,000 रुपया आ गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, प्लाइंट कॉस्ट कितना, 1,32,000। ये आसानी से मैं समझा रहा हूं, प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब मुझे निकालना है वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेंगे। कितना आपके बुक में दिया होगा, बुक पे ध्यान देंगे, कितना 16,000। अब आप इसको जोड़ देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1,48,000। ये क्या कर रहा है, वर्क कॉस्ट, ये कर रहा है वर्क कॉस्ट। अब देखिए वर्क कॉस्ट के बाद मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के लिए मुझे देना है एस्टिमेट और उसके बाद दिया एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया है देख लेंगे, आपके बुक में 12,000 दिया है, 12,000 रख देंगे। अब आप इसको जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 1,60,000। ये क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा ये टोटल कॉस्ट निकल गया। अब मुझे निकालना है वर्किंग नोट जो आपको कर दीजिए ना तो आप लोगों को बात पूरी समझ में आ जाएगी। देखिए वर्किंग नोट करना क्या क्या चीज पे निकालना है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जी बिल्कुल, फैक्ट्री ओवरहेड किस पे, डायरेक्ट वेजेस पे, किस पे लेंगे, डायरेक्ट वेजेस पे। अब आप देखेंगे कि आपके पास और इनडायरेक्ट, एक मैं डायरेक्ट वेजेस पे तो लेंगे ही लेंगे, और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भाग को लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी आपको लेना पड़ेगा। अब देखेंगे आप मुझे इसका काम करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना अमाउंट है, 16,000 × 100%। अब मुझे ये बताइएगा डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना दिया, 52,000 रख देंगे, 52,000। अब आप क्या करेंगे, दो जीरो एक जीरो और है, तीन जीरो उगा देंगे, यहां पे आ जाएगा 1600/52। अब जो इसको काटेंगे तो ये आएगा 30.77%, ये इतना आया। ये अब एक नंबर का हमने बनाया, अब दूसरा नंबर का देख लेंगे, परसेंटेज ऑफ क्या चीज, एस्टेब्लिशमेंट का ना, ESTABLISHMENT एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस ध्यान देंगे, जनरल एक्सपेंसेस का अब कितना क्या दिया हुआ है तो देख लेंगे। आपके पास जनरल एस्टेब्लिशमेंट का 12,000 दिया हुआ, 12,000 रख देंगे इनटू 100। अब देखो छोटू यहां पे समझना, बता में कितना रखोगे, 1,48,000, क्यों, तो 1,48,000 हम लोग का क्या आया, वर्क कॉस्ट, ठीक है, 1,48,000 क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट, 3,0,3,0 बढ़ा देंगे। अब आपके पास में ये आ जाएगा 1,200, ठीक है, ये 148 जो था तो बता में 148, अब इसको काटेंगे तो 8.11% ये हम लोग का आएगा। अब देखो छोटू ये जब तक नहीं समझोगे तब तक तुमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, और यही बात तो समझना था हम लोग को, निकालना था तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम को ले लेना, ले दिए कितना दिया हुआ, 80,000। अब उसको हमको प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या रखना होगा, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया आपके बुक में, 52,000। अब आप इसको दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1,32,000, ये क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद मुझे वर्क कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या रखना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भाग को तुम क्वेश्चन में ढूंढना, तो देखो तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भाग क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16,000, तो अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,48,000, ये हमारा क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। आप देखो वर्क कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट निकालने के लिए या तो तुम जनरल एक्सपेंसेस को, जनरल एक्सपेंसेस किराना दुकान नहीं जाते हो, जनरल स्टोर में जो जाके सामान खरीद लो तो वही उसी का बात हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट एंड द जनरल एक्सपेंसेस हम जब तक नहीं रखेंगे तब तक हमारा टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगा, तो इसको आप खोजना क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12,000। अब इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आया, 1,60,000, ये क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट, क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट। अब मुझे निकालना क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, और अब बोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये दोनों पे परसेंटेज मुझे लगाना, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भाग को लेंगे, तो ये दिखाओ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भाग कितना दिया हुआ है, 16,000 इनटू 100, क्योंकि आपको बत्ता में क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस, तो बत्ता में डायरेक्ट वेजेस जो होगा तो वो कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस का 52,000 रख दीजिए, 3,0,3,0 लगा दीजिए। अब 16 पे 2,0,1600/52 काटेंगे तो कितना आएगा, 30.77। अब ये सेकंड नंबर में निकलेगा परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस पे, तो आप एक मिनट, एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है छोटू, पर ये ले लो, देखो 12,000 दिया होगा, 12,000 रख दे और इनटू 100,
वो तो होगा ही होगा। अब बता में ये कितना आएगा, ये आपको जो मैंने निकाला भी है वर्क कॉस्ट, जब काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तब तक एस्टेब्लिशमेंट का काम हम लोग जनरल एक्सपेंसेस का प्रतिशत कहां से निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे जनरल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है 12,000 × 100 और बता में वर्क कॉस्ट का जो अमाउंट है तो वो रख लेना, वर्क कॉस्ट कितना दिया 48,000। अब इसको काटोगे 3 0 3 0 12 पे 2 0 बैठा दो 1200 और 148 ये बच गया, इसको क्या करोगे छोटू अब काट दोगे, काट दोगे कितना आएगा 8.11%। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकाले हैं, इसके बावजूद हम लोग अब आगे निकाल रहे हैं। चलिए अभी इसको मैं मिटा रहा हूं, तो आप लोग इसको पूरे एक मान से देखिएगा ना, तो पूरी बात आपको समझ में आएगी और एक एक बात आपको पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को टेंडर प्राइस और क्वोटेशन प्राइस निकालना है, तो टेंडर प्राइस और क्वोटेशन प्राइस निकालने के लिए हमें ये सारा काम को करना जरूरी था, यदि इस काम को नहीं करते तो हम लोग का टेंडर प्राइस और क्वोटेशन प्राइस क्या होता, नहीं निकलता। तो समझ गए बात को, तो टेंडर प्राइस क्वोटेशन प्राइस कैसे निकलेगा अब देखते हैं। तो चलिए हेडिंग देते हैं, टेंडर प्राइस क्वोटेशन प्राइस किसका निकालेंगे, चलिए कंप्यूटेशन ऑफ माफ कीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस किसका ऑफ द मशीन, ऑफ द मशीन किसका, मशीन का निकालेंगे। चलिए सेम फॉर्मेट को रखिएगा, कोई बदलाव नहीं, पार्टिकुलर और एक अमाउंट का प्रॉब्लम को, ठीक है। आप सबसे पहले आप लोग मेटेरियल्स को ढूंढिएगा क्वेश्चन में, किसको मेटेरियल्स को कितना दिया है 10,000 रख दीजिएगा 10,000। उसके बावजूद आपको यहाँ पे नीचे में देखिएगा, आपके नीचे में ये दिया होगा वेजेस कितना दिया है 5,000, आप रख देंगे, आप इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15,000। ये क्या निकल गया आपका प्राइम कॉस्ट, क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। उसके बावजूद हमको वर्क ओवरहेड का निकालना है, वर्क ओवरहेड। अब वर्क ओवरहेड का अमाउंट हमको कितना वेजेस पे लेना है ना, तो 5,000 × 2, अब हमने निकाला था आपको पीछे 30.77 बत्ता 100, ठीक है। अब बत्ता 100 कोई दिक्कत, आप इसको आप काटेंगे 2 0 2 0 काट देंगे, काटने के बाद आप क्या करेंगे 50 को 30.77 से गुना कर देंगे तो आपके पास आएगा 1538.50, ठीक है 1538.85 आ जाएगा। तो ये आप इसको जो जोड़ देंगे तो आपके पास 1638.50, अब ये आ जाएगा, ये क्या कर रहेगा वर्क कॉस्ट, क्या कर रहेगा वर्क कॉस्ट। अब देखिए वर्क कॉस्ट निकालने के बावजूद अब मुझे निकालना होगा क्या चीज टोटल कॉस्ट, तो हम लोग लेंगे ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। अब कितना 16,538.50 × 8.11 बता 100, ये हम लोग को काम करना है। अब देखो ये पॉइंट करवा देना, ठीक है। अब इसको क्या करना भागा दे देना, काट देना, काटने के बाद आप 0.11 से जो क्या करना गुना कर देना, गुना करने के बाद आपके पास आएगा 1341.27 ये आ गया। अब इसको आप क्या करो ऐड कर दो 70,879.7, ये आपको क्या निकल गया टोटल कॉस्ट, क्या निकल गया है टोटल कॉस्ट। ध्यान देंगे अब हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट, क्या निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको क्या करना है 17,879.77 × 20 बता 100। अब इस पे आप काम करेंगे, तो इस पे जो काम करेंगे तो ही हो पाएगा, इस पॉइंट को ला देंगे, अब इसको इससे काट देंगे, अब उसके बावजूद गुना करना होगा, तो गुना करने के बाद आएगा 3575.95 हो जाएगा 95। अब इसको आप जोड़ देंगे तो 21,455.72 ये हम लोग का क्या निकल गया टेंडर प्राइस, क्या निकल गया टेंडर प्राइस। अब देखो यही चीज तो तुम लोगों को समझना था, यही चीज तो तुम लोगों को जानना था कि हमने अभी अभी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकाला, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड पे निकाला और एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस पे निकाला। एक तो फैक्ट्री पे 30.77 निकला था और 8.11 आपको जनरल एस्टेब्लिशमेंट जनरल पे निकला था। तो हम लोग को बनाना क्या था टेंडर प्राइस निकालना था मशीन का। सबसे पहले मटेरियल्स को ले लो, कितना दिया तुम्हारे नीचे क्वेश्चन में दिया होगा 10,000, वेजेस को तुम्हारे नीचे में दिया होगा 5,000, दोनों को जोड़ दो तो ये निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट कितना 15,000। अब वर्क ओवरहेड जो काम करने की जो गति थी उस पे मुझे लगाना है, तो कितना वर्क ओवरहेड काम कौन करेगा वेजेस ना,
तो वेजेस का अमाउंट कितना दिया था 5000 और इन तो कितना निकाला था फैक्ट्री ओवरहेड पे 30.77 रख दो आपका 100 2020 लाने के बाद आप इसको गुणा कर दो कितना आएगा 1538.50 अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 16538.50 ये क्या निकला वर्क कॉस्ट। अब देखो छोटे वर्क कॉस्ट तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग को यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या लेना होगा ऑफिस ओवरहेड को, क्या लेना होगा ऑफिस ओवरहेड जो मैंने निकाला भी है क्या 8.11 निकाला है। तो अब देखो टोटल अमाउंट तुम्हारा वर्क कॉस्ट का कितना था 16,500 38.50 और इनटू 8.11 निकाले थे उसको बता 100 कर दो। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1,341.27 अब इसको इसमें ऐड कर दो ये कितना आ जाएगा 70,879.77 ये क्या कर रहा है टोटल कॉस्ट। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला है प्रॉफिट एज 20% तो प्रॉफिट जो निकला है तो उसका कितना प्रतिशत देना है 20% कितना प्रतिशत 20 तो ये समझ लो तो प्रॉफिट तो हम लोग को कितना निकला था 70,807.77 ये निकला था ना अभी यहाँ पे जो मैंने निकाला इसका 20% 20/100 अब इसको काम कर दो पॉइंट हुआ दो उसके बाद मैंने काट दिया तो मेरे पास में कितना आया 3,575.95 अब ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास में कितना आया 21,455.72 ये क्या निकला टेंडर प्राइस। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसका टेंडर प्राइस निकाला है। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर तो वो आगे आप देखिए कि क्या हम लोग का क्वेश्चन है ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं ताकि आप लोग फिर से इसको समझ पाए तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको पूरे आप देखिए कोई भी चीज को दुनिया में कोई सीख करके नहीं आता है और शिक्षा एक ऐसी चीज है जब तक आप ग्रहण करेंगे नहीं जब तक आपके पास पूर्णतः नॉलेज होगा नहीं तब तक आप ही बताइए मुझे कि क्या वो कितना आगे तक जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नौकरी के लिए पढ़ाई करें ये कभी मैंने नहीं कहा क्योंकि नौकरी के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते। हम लोग का पहला पहलू होता है आपके पास डीपली नॉलेज होगा ना यदि आप अच्छे से अभी के बच्चे को तो बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे को मैंने भी देखा है वो कुछ साल पहले पढ़ाई अध्ययन केंद्र से थे कुछ साल पहले और अभी तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में तो मैं उनको भी बता दूं कि आपके पास ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बनाना पड़ता है और मार्केट में यदि झोला लेके भी जाएंगे और यदि हम आचरण व्यवहार और संस्कार विचारों को खरीदने का कोशिश करें ये तो कभी संभव है ही नहीं। दुनिया का हम हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन आपके अंदर जो टैलेंटेड नॉलेज है जो आपके ज्ञान को वो हमको खरीद सकते हैं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। चलो अच्छे बात हो गए चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन आपके सामने में क्या है द अकाउंट्स ऑफ ए फैक्ट्री शो द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर इन 31st March 2014 बहुत इजी क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही निकालना है आपको देखेंगे निकाल के निकलेगा तो ठीक है क्योंकि मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड ये दिया हुआ है और आपको निकालना है देखेंगे नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में मैं आऊंगा और आप मैं 6 नंबर क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए मशीनरी फॉर द ईयर इन 31st March 2014 ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेज ऑफ मटेरियल्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड ये हमारा सारा आइटम दिया हुआ है और सारे अमाउंट को भी दिया गया है। मुझे बनाना है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कैलकुलेट द प्राइस व्हिच द मैन्युफैक्चरर कुड क्यूट फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए मशीन रिक्वायरिंग मशीन वैल्यू 6000 एंड डायरेक्ट वेजेस 6000 so that the price will yield a profit of 20% on selling price। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके सामने में है देखिएगा स्क्रीन पे और बुक आप लोग के पास में होगा तो आसानी से पूरे देखिएगा। तो क्या है सबसे पहले मुझे बनाना क्या है इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट चलो देखते हैं छोटू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऊपर में हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कोई दिक्कत अक्षय कुमार कोई दिक्कत समझ में आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट डेट दिया हुआ था दाव दो नहीं दिया था फॉर द ईयर इन द 31st March 2014 डेट दिया है तो ठीक है नहीं दिया तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तुमको ढूंढना है क्वेश्चन में क्या मटेरियल कंज्यूम यदि वो नहीं दिया है तब तुम्हें ढूंढना है कि मटेरियल्स ये भी नहीं दिया है तब तुम्हें ढूंढना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स तो दिया है दिया होगा चलो देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना दिया है 40,000 अब देखो परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है तो इसमें ऐड कर दो परचेज ऑफ
materials, purchase of materials, कितना दिया है 80,000, ठीक है। अब इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो रेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कितना दिया है 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल चेक करिएगा, दिया है 20,000, आप इसको रेस कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1,00,000। ये कर रहा है मटेरियल्स कंज्यूम्ड, क्या कर रहा है मटेरियल कंज्यूम। अब मुझे निकालना प्लांट कॉस्ट, मुझे क्या देना होगा डायरेक्ट वेजेस, क्या देना होगा डायरेक्ट वेजेस। प्लांट कॉस्ट निकालने के लिए क्या देना पता है डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस आपके बुक में 80,000 दिया हुआ है रख लेंगे तो आपके पास में 1,80,000 हो गया। ये क्या कहलाया प्लांट कॉस्ट, क्या कहलाया प्लांट कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या देना होगा फैक्ट्री ओवरहेड, क्या देना होगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को तुम ढूंढना होगा बुक में तो दिया हुआ है कितना दिया 20,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,00,000, कितना हो जाएगा 2,00,000। ये क्या कहलाएगा वर्क कॉस्ट, क्या कहलाएगा वर्क कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या देना होगा ऑफिस ओवरहेड, ये आप लोग पिछले वीडियो में भी देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में, कितना दिया हुआ है 10,000 छोटू। अब ये कर देंगे 2,10,000, ये हम लोग का क्या निकल गया टोटल कॉस्ट, क्या निकल गया टोटल कॉस्ट, ये निकल गया। अब इसका परसेंटेज वर्किंग नॉट जरा कर देते हैं वर्किंग नॉट, ताकि हम लोग जो टेंडर प्राइस बनाएंगे तो वहां पे हम लोग को काम आएगा, क्या समझे। परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड ठीक है विथ वेजेस, किस पे वेजेस पे ना, अब चलिए नीचे से वेजेस पे जब लेंगे तो कितना देख लेंगे 20,000 दिया हुआ है, जी बिल्कुल 20,000 × 100। अब बता अब देख लेंगे 80,000 वो भी दिया होगा, आप पूरे काटेंगे आसानी से समझ जाएंगे 2, 4 और ये आ जाएगा 25%, ठीक है। अब सेकंड नंबर आपको यहाँ पे देखेंगे पूरी बात को समझेंगे PERCENTAGE परसेंटेज ऑफ, अब क्या चीज पे ऑफिस ओवर हेड, ऑफिस ओवर हेड विथ वर्क कॉस्ट, किस पे ऑफिस ओवर हेड जो काम करेगा तो ही उसको पता चलेगा ना, ऑफिस ओवर हेड कितना दिया हुआ है देख लेना 10,000 × 100। अब बता में ये भी देख लेना 2,00,000 दिया होगा, बता 2,00,000 ठीक है, ये रख दिया। अब इसको काट दो 3 0 3 0 1 0 1 0, अब ये कितना आया 5%, ये हम लोग का निकल गया। तो ये हम लोग जो निकाले हैं इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा समझना होगा। देखो छोटो तुम्हारे क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम दिया है वो रख दो या मटेरियल्स दिया है वो रख दो, और ये भी नहीं दिया हुआ है तो तुम्हारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, और जब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है तो परचेज ऑफ मटेरियल भी होगा, और जब परचेज ऑफ मटेरियल है तो परचेज ऑफ मटेरियल हमेशा ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा, ऐड होने के बाद जितना हो जाएगा उसमें से यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, क्या करेंगे लेस कर देंगे। तो वही काम है, अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारा दिया हुआ था बुक में कितना 40,000, अब परचेज ऑफ मटेरियल तुम्हारा कितना दिया हुआ था 80,000, जो मैंने क्या किया परचेज को ऐड किया तो ये दोनों जोड़ करके कितना आया 1,20,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, हमने अभी भी बताया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है तो आप क्या करोगे उसको लेस कर दोगे, तो हम लेस किए हैं तो कितना आया तुम्हारे पास 1,00,000। ये क्या कर रहा है मटेरियल कंज्यूम, क्या कर रहा है मटेरियल कंज्यूम। अब छोटो हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है प्लांट कॉस्ट, तो प्लांट कॉस्ट निकालने के लिए हमने अच्छे से बता दिया था कि क्या किसको रखने वाले हम लोग डायरेक्ट वेजेस को, तो डायरेक्ट वेजेस को रखिएगा तो कितना दिया हुआ है 80,000, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1,00,000, ये 80,000, ये क्या निकल गया प्लांट कॉस्ट। अब मुझे निकालना क्या है वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट वर्क मतलब क्या काम कॉस्ट लागत, काम की जो लागत निकालेंगे तो काम कहां फैक्ट्री में या फैक्ट्री के द्वारा या कहीं वर्कर्स के द्वारा ही किया जाएगा फैक्ट्री में भी काम, तो हम क्या करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को लेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड को लेने पर हम लोगों का क्या निकलेगा वर्क कॉस्ट, तो कितना था फैक्ट्री ओवरहेड, अब इसको हम ऐड कर देते कितना आया 2,00,000, ये क्या निकला वर्क कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग कहां जाएंगे ऑफिस ओवरहेड, कहां जाएंगे ऑफिस में, तो ऑफिस ओवरहेड कितना था 10,000, जो दो तो ये कितना आया 2,10,000, ये क्या निकल गया टोटल कॉस्ट। अब हम लोग को बोल रहा है परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, बोल रहा है ना फैक्ट्री ओवरहेड, तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड पे लेना है, तो अब तुम देखो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड पे जो लेना है तो तुम लोग को यहाँ पे एक ही चीज तुम लोग को जानना होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना दिया था 20,000 रख दो, और आगे ऊपर में तो इनटू 100 होता है, ठीक है,
इन 200 और बत्ता में देखो बाय में हम लोगों को क्या रखे हैं, बत्ता में फॉर्मूला होता है बत्ता डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है देख लो तुम्हारा 80,000 बत्ता 80,000 हमने रख दिया। अब इसको काम कर दो, 3 0 3 0 अब देखो यहाँ पे 1 0 1 0 अब देखो 4 2 8 और यहाँ पे काटो 25 4 100 कटेगा ना 25%। अब सेकंड नंबर परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विद वर्क कॉस्ट कितना 10,000 कैसे कोके सॉरी कैसे 10,000 तो सर ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट कितना था 10,000 और ऊपर में इनटू 100 होता है। अब बत्ता में 2,00,000 क्यों हुआ क्योंकि वर्क कॉस्ट का अमाउंट हम लोग लेंगे किसका लेंगे वर्क कॉस्ट का कितना निकला वर्क कॉस्ट का 2,00,000 बत्ता में 2,00,000 काटेंगे तो कितना निकला 5% इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो सभी आदमी इसको नोट करिएगा। अब आगे देखिए हम जो इसको बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस का जो हम लोग बनाएंगे क्या बनाएंगे टेंडर प्राइस का तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और आपकी बैच बहुत ही गति में चल रही है क्योंकि आपको ये पता है कि एग्जाम जो है आपको मार्च में दे दिया जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। लेटेस्ट आपको लास्ट तक तो लेना ही लेना, उसको 100% है वो देगा ही देगा। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है तो अपने क्लास को नियमित रखें क्योंकि देखिए शिक्षा यही समय है यही उम्र है, इस उम्र में जो बदल जाता है वो समझिए बहुत ऊपर तक जाता है और इस उम्र में जो गलतियां करता है तो समझिए फिर मौका नहीं देती है। ये समय बहुत कीमती है जनाब, जिन किन्हीं को कभी खर्चा करो ये समय को तो जरा सोच समझ के ही करना क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है चले जाने के बाद, क्योंकि पैसा तो हम दोबारा भी कमा लेंगे, काम तो हम दोबारा भी कर देंगे, हम शादी ब्याह मुंडन बाकी सभी चीज हम दोबारा भी अटेंड कर देंगे। लेकिन यदि जो बच्चे अब ऑनर्स कर रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि आप जाइए फिर से 12 करके आइए, क्या वो करके आएंगे क्योंकि वो समय उनका बीत चुका है। तो इसीलिए अब आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कम्पिटिटिव योग्य बच्चे सब होंगे जितने भी ऑनर्स के बच्चे होंगे तो मैं उनको कहता हूँ खास करके मेनली जो बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए तो क्लास 8 क्लास से लेके ऑनर्स तक अच्छे से जो बच्चे प्रिपरेशन करके जाए। देखिए 11-12 कर देने से कोई बहुत बड़े महानतम हासिल आपने नहीं कर लिया या कोई बच्चों ने नहीं कर लिया क्योंकि 11-12 आपको सेकेंडरी पोजीशन पे आते हैं, जब आप ऑनर्स में जाते हैं तो आप में थोड़ा मैच्योरिटी आता है और आप समझ पाएंगे कि एजुकेशन क्या चीज है, अन्यथा नहीं आप उस अंकुर तक नहीं सोच पा रहे हैं। तो मैं आपको तो सिर्फ बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं एक शिक्षक के रूप में मुझे ज्ञात है तो मैं बताता हूं कि आप लोग अपने क्योंकि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, दुनिया वाले का काम है ताना देना, सफलता में कोई नहीं साथ आता है, असफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ आ जाती है, सफलता से पहले आलोचना ही बढ़ती है और जिनकी आलोचना है उन्हीं का नाम है, जो बदनाम है उन्हीं का नाम है। कुछ व्यक्ति जो है आपको नाम पे बदनाम पे बोलते भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे नरेंद्र मोदी को बहुत आदमी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत आदमी अच्छा भी कहते हैं बहुत आदमी खराब भी कहते हैं, ऐसा थोड़े। तो मैंने आपको क्या बोला कि हाँ ये नहीं है कि निगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं, सभी दुनिया के जितने भी व्यक्ति के सामने निगेटिविटी पॉजिटिविटी होता है लेकिन वो अपनी गलतियों को स्वीकार करके और यदि काम की गति पे दे ध्यान तो ज्यादातर वो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि दुनिया में शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर कोई सीखता है तो आगे बढ़ता है। दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई एक मार्गदर्शक होते हैं, यदि उसको मार्गदर्शक यदि आपने किन्हीं से एक अक्षर का ज्ञान की प्राप्ति की हो ना तो उसका जग में सम्मान कीजिए और जब भी मिले तो उनका चरण स्पर्श अवश्य कीजिए क्योंकि एक अक्षर का ज्ञान आपको जिनसे भी प्राप्ति हुआ वो आपको दिए हैं तो समझिए आपके जीवन के आधारभूत पर देख है, वो आपके गुरुदेव है, आपकी दायित्व बनता है। आप कितनी भी गलतियां करेंगे तो टीचर चाहेंगे कि मेरे स्टूडेंट अच्छा करें, बस मैं यही कहूंगा और हम यही दुआएं करेंगे कि आप लोग अच्छे से काम करें। 4 month 5 month टाइम है, ज्यादा टाइम है नहीं, फी भी आपको 500 ही है, कोई ज्यादा फी भी नहीं है और अच्छा टाइम है, सुबह 6 बजे 6 से 7 सफिशियंट टाइम है। तो जो सोएंगे वो खोएंगे और जो अभी 5,000 7,000 6,000 कमा के अपने जीवन को आधारभूत पर देख बनाएंगे तो आगे जाके भुगतने के लिए भी तैयार है तो वो कल क्या सोचेंगे कि हम कुछ बड़ा करेंगे, जी नहीं, आप बड़ा करेंगे। आप जो भी काम करते हैं उस काम को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है लेकिन आप एजुकेशन को छोड़ करके मतलब आप हम लोग ने भी अपने जीवन में पढ़ाई किया है, ऑनर्स एमकॉम पीजी तक इतने अच्छे तरीके से किए हैं तो जाके डीपली पूरी नॉलेज मिला है। अभी के बच्चे को तो देखते हैं 11-12 पास करते हैं ऑनर्स फर्स्ट पास सेकंड पास जाते जाते दम तोड़ देता था, अब तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब तो मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया नितिन कितना पढ़ लिए हो, पढ़ाई का तो अंत ही नहीं है, पहले तो ये बात समझ लो, दूसरी बात ये समझ लो
कि हम पढ़ाई आपका क्यों नौकरी के लिए, सबसे पहला उद्देश्य आपको होना चाहिए पूरा का पूरा नॉलेज के लिए। नॉलेज आप में होगा, नौकरी ना भी मिलेगा तो कुछ और कर देंगे, कुछ और नहीं तो सही और भी कुछ कर देंगे। और जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, यदि उस अंतर्गत आप प्रिपरेशन है ही नहीं है, तो फिर ये सोचे इंटर ग्रेजुएशन का डिग्री किस काम का, कि तो यही हुआ कि भूजा बनाने का काम आएगा। तो भैया पढ़ते हो तो उसका कोई वजूद निकालो, पहले तुम्हारा जो एम टारगेट होता है उस पर काम करो। 24 घंटा सबको समय मिलता है, तुम 6 घंटा में से 1 घंटा का आप क्लास करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, 2 से 3 घंटा कंपिटिटिव का देखो, और बाकी आप अपना 18 घंटा काम करें ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब एक रूटीन ही नहीं फॉलो करोगे, काम ही नहीं करोगे, तो आप किस आधार पर कहोगे कि मुझे सफलता मिल जाए? संभव नहीं है। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस। और क्या चीज का निकालना है, मशीन का ही निकालना है, क्या चीज का? मशीन। ठीक है, अब चलिए सेम फॉर्मेट होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए सबसे पहले मेटेरियल्स आप अपने क्वेश्चन में ढूंढिएगा, दिया होगा मेटेरियल्स कितना दिया हुआ देख लीजिएगा, 6000 दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे देखिएगा डायरेक्ट वेजेस भी दिया होगा, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है 6000। अब ये जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12000। ये आपका कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट करवाने के बावजूद अब मुझे इसमें काम करना है फैक्ट्री ओवरहेड का, क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिएगा कितना फैक्ट्री वेजेस का कितना दिया है, 6000 ना वेजेस का था, और 25% निकाले थे ना, बता 100 कर दिए। अब इसको काम करने के बावजूद आपके पास में कितना हो जाएगा, आपको ये देखना आएगा, तो बना कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 1500, कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा 13500। ठीक है, तो ये क्या कर रहेगा, वर्क कॉस्ट, क्या कर रहेगा, वर्क कॉस्ट, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या निकालना है, ऑफिस ओवरहेड, क्या निकालना है, ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, तो अब देखो ऑफिस ओवरहेड कितना पे निकलेगा, 13500। अब कितना 5% निकाले थे ना इससे पहले, हाँ अब निकाले थे, दो जीरो काट देंगे तो ये निकल जाए 675, कितना निकला 675। अब इसको क्या करोगे आप, जोड़ दोगे तो कितना निकलेगा 14175। ठीक है, ये क्या कर रहेगा, टोटल कॉस्ट। अब देख लो, अब मुझे निकालना है प्रॉफिट, दिया हुआ 20%। क्वेश्चन आप अपने पास में बुक रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, 14175 × 2500। ठीक है, 1010 वन के बाद पॉइंट बैठा दो। ठीक है, अब ये 14175 को करेंगे तो 3544 ये हम लोग का आएगा, तो अब ये हम लोग जोड़ देंगे 17790। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल गया, टेंडर प्राइस, ये निकल गया हम लोग का क्या, टेंडर प्राइस, ये हम लोग का निकल गया। अब यही चीज तो हम लोग को समझना था, हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकाले, उसमें निकालने के बावजूद हम लोग ऑफिस ओवरहेड का निकाले थे, फैक्ट्री ओवरहेड का निकाले थे छोटो, तो कितना फैक्ट्री ओवरहेड का 25% निकाल दिए थे, और ऑफिस ओवरहेड का कितना परसेंट, 5% निकाले थे हमने। क्वेश्चन के नीचे में मेटेरियल्स दिया होगा 6000 मैंने रख दिया, इसके साथ और क्या दिया रहेगा, डायरेक्ट वेजेस, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना है 12000, ये क्या निकल गया तुम लोग का प्राइम कॉस्ट। अब क्या बनाना, प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग का निकलेगा वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट के लिए मुझे क्या लेना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड को, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो निकलेगा वर्क कॉस्ट पे किस पे, डायरेक्ट वेजेस के अमाउंट कितना दिया है 6000 दिया है ना, हमेशा ये याद रखना, कितना परसेंट निकाले थे 25/100, इसका किया था कितना निकला है 1500 काम करके। अब ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 13500। अब ये हम लोग का क्या, अब देखो 13500 हम लोग का क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। अब हमको देखो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अभी भी मैंने बताया क्या देना है, ऑफिस ओवरहेड कितना निकाले थे, ऑफिस ओवरहेड का 5%। अब टोटल अमाउंट कितना था, जो हमको लगाना है कितना परसेंट, 20% बोल रहा है, तो अब कितना टोटल कॉस्ट कितना था 14175 × 20 अब इसको हम गुना कर दिए, गुना करने के बाद हमको कितना है 3544 ये आया, इतना आया। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग का कितना आया 70790, ये क्या निकला, टेंडर प्राइस। अब ये क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अब 6 नंबर तो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। 7 नंबर, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फैक्ट्री द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन ऑब्टेन फॉर द 2013, जो आपके सामने में क्वेश्चन है आप देखेंगे।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। बात वही, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल छोटो दिया है तो उसके साथ और भी क्या दे रहेगा, परचेज ऑफ मटेरियल, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। और यदि क्लोजिंग ऑफ मटेरियल दिया हुआ है तो उसको क्या करोगे, रेस करोगे। तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बनाइएगा आप, तो देखिएगा बनेगा तो ठीक है। मैं तो ऑनलाइन पे भी जितने बच्चे हैं तो मैं उन लोगों को भी बता दूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करेंगे, तो जो नहीं बनने के बाद मैं पुनः मैं अगले क्लास में आऊंगा तो मैं उसको करूंगा। और क्वेश्चन नंबर एक का चल रहे हैं, ये है रिडक्शन इन सेल प्राइस, रिडक्शन इन सेल प्राइस आपका हेडिंग है, ये बिक्री के दर पर बात होगी। ए मैन्युफैक्चर ऑफ स्कूटर, स्कूटर, अच्छा स्कूटर, पुराने जमाने का स्कूटर पे बात कर रहे हैं, देखते हैं। फाइंड दैट इन 2013 कॉस्ट इन 8,36,000, अरे बाप रे बाप बहुत दाम है, 8,36,000 रुपया। अब तू मैन्युफैक्चर 100 स्कूटर, अच्छा 100 स्कूटर, सो दैट 12,600 इट वाज मेड अप मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ये सारे दिया हुआ है। उसके बाद आपको 2014-15 अब हमें सारे एक एक करके काम करना होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग को काम करना होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक समझ में कहां से आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब देखिए डेट नहीं दिया हुआ है, आउटपुट दिया होगा, आउटपुट कितना 100 स्कूटर ना, कितना 100, हाँ 100 स्कूटर्स दिया हुआ है, ठीक है 100 स्कूटर्स के बात हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, समझ जाइएगा एक एक बात, जब ना ही समझिएगा तो ये पढ़ करके क्या फायदा, समझिए और एक एक चीज इसको आप कॉपी में मेंशन कीजिए। बहुत आपकी ऑफलाइन गति में चल रहा है, इसीलिए सभी बच्चों को कहेंगे ऑफलाइन क्लास को ज्यादातर टाइम लेकर के निकाले। चलिए मटेरियल्स कितना दिया है, 2,40,000 रख दीजिएगा, 2,40,000। अब उसके बाद आप देखिएगा डायरेक्ट वेजेस आपके पास में होगा, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, डायरेक्ट वेजेस आपके बुक में 4,00,000 रख दीजिएगा, ठीक है छोटो, जोड़ करके कितना हो जाएगा 6,00,000, हाँ या ना। ये क्या कर रहा है, प्राइम कॉस्ट, कोई दिक्कत, ये क्या कर रहा है प्राइम कॉस्ट। अब हमको क्या रखना है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या रखना है, फैक्ट्री ओवर हेड, ठीक है कितना देना है 1,20,000, एक ना छोटो 6,40,000 होगा, चलो हाँ। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000, ठीक है अब इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो कितना आ जाएगा 7,60,000, ठीक है ये क्या कर रहेगा वर्क कॉस्ट, क्या कर रहेगा वर्क कॉस्ट। अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या देना होगा, ऑफिस ओवरहेड को, ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ है 76,000। अब इसको यदि आप काम करेंगे तो ये आपके पास आएगा 8,36,000, ठीक है ये क्या कर रहेगा टोटल कॉस्ट, क्या कर रहेगा टोटल कॉस्ट। इस प्रकार से हम लोग ने किया। अब देखिए वर्किंग नोट मैं कर रहा हूं तो उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोग से एक एक चीज। वर्किंग नोट पहले कर दे, परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड विथ वेजेस, विथ वेजेस, ठीक है अब देख लेंगे कितना कितना अमाउंट है, 1,20,000 इंटू 100 बत्ता, अब बत्ता में रखेंगे 4,00,000, ठीक है 4,00,000 कैसे, डायरेक्ट वेजेस कितना था 4,00,000 था ना, अब इसको काटेंगे 3,0,3,0,2,0,2,0 है ना 4, अब ये कितना 30% आएगा, आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर निकाल देते हैं छोटू, अब ये क्या परसेंटेज, एक एक काम करके नहीं निकालिएगा तो नहीं समझिए, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड
विथ वर्क कॉस्ट, किस पे? वर्क कॉस्ट पे निकलेगा, किस पे निकलेगा? वर्क कॉस्ट पे। अब देखेंगे 76,000 इसका दिया हुआ है इनटू 100। अब देखिएगा यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिया होगा 7,60,000 वर्क कॉस्ट पर, दिया है ना, 3,0,3,0 उड़ा दिए, 1,0,1,0 उड़ा दिए, इसको उड़ा दीजिए, कितना 10% हो गया। अब ये हम लोग ने क्या किया, ये 10% निकाला है, निकाला है, तो ये कितना इजी वे था। हम लोग ने क्या किया, मेटेरियल को लिया जितना था 2,40,000, उसका डायरेक्ट वेजेस आपके क्वेश्चन में उसको मैंने लिया 4,00,000, दोनों को जोड़ दिया 6,40,000, ये क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम लोग को वर्क कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या लेना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड का, तो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट ढूंढ लो कितना है, 1,20,000 जोड़ करके कितना आ गया, 7,60,000, ये क्या कर रहा है, वर्क कॉस्ट। इसके बाद जो हमको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या लेना होगा, ऑफिस ओवरहेड, तो ऑफिस ओवरहेड कितना है, 76,000, तो जोड़ करके ये टोटल कॉस्ट कितना आया, 8,36,000। अब मुझे निकालना था क्या, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज और यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज। फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज जो निकाले हैं, तो अब मुझे देखिए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विद वेजेस, ठीक है, तो अब मुझे इसका काम करना था। तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड किसका निकालें, फैक्ट्री ओवरहेड का ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट पहले ढूंढो कितना है, 1,20,000, अब इनटू 100 होता है ऊपर में, इनटू 100 ये फॉर्मूला में बुक में देखिएगा आपको पूरे है। और बटा में डायरेक्ट वेजेस होता है, तो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट ढूंढेंगे कितना दिया हुआ है, 4,00,000 रख दीजिए, इसका कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, 30%। अब सेकंड नंबर परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विथ वर्क कॉस्ट, तो आप देखिएगा ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट कितना दिया हुआ आपको, 76,000 और ऊपर में इनटू 100 होता है। अब बता में देखिएगा आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, वर्क कॉस्ट ना, तो वर्क कॉस्ट का अमाउंट कितना है, देख लीजिए 7,60,000, बाय में रख करके इसका आप काम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10%। ये हम लोग ने किया। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे, तो इसको मिटाया जाए, इरेज कर दिया जाए, चलिए इरेज किया जाए, तो ये इरेज होगा और आगे हम लोग जो काम करेंगे और आगे आप लोग इससे पूरे फोकस कीजिएगा। और अब जैसे हम लोग का टैक्स भी बहुत जल्द आप लोग का शो होने वाला है, सभी बच्चों को मैं बता दूं कि टैक्स पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट, यहीं पे कर दीजिए शोइंग प्रॉफिट पर स्कूटर फोर 2008, ठीक है, 2008 ये हम लोग को निकालना है, ठीक। यहाँ पे ध्यान दोगे एक बार में समझ जाओगे। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में ढूंढ लो मेटेरियल्स, क्या ढूंढोगे, मेटेरियल्स ढूंढोगे तो एक मिनट, और मैं तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं कि देखो मेटेरियल्स अभी अभी तुमने देखा होगा कि मेटेरियल्स दो बार है। अब ये सवाल यह होगा कि कौन सा मेटेरियल कहां, तो सुन लो, मेटेरियल्स कंज्यूम्ड हो या आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो, ये सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में रखोगे, कहां रखोगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। लेकिन यदि तुम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया, हमको टेंडर प्राइस निकालना है या क्यूटेशन प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, टेंडर प्राइस और क्यूटेशन प्राइस। तो टेंडर प्राइस निकालने के लिए मुझे जो मटेरियल क्वेश्चन के एडजस्टमेंट वैल्यू में जाएंगे वहां पे मटेरियल्स और डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट दिया होगा, उसको हम लोग ले लेंगे। जब हम लोग उसको ले लेंगे तो ये हम लोग का काम क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब मटेरियल्स ठीक है, कितना दिया हुआ है मटेरियल्स देख लेंगे, 2500। इसके बाद वेजेस अब देख लेंगे कितना दिया है, 3500, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दें कितना आ जाएगा, 6,000, ये क्या करवाएगा, प्राइम कॉस्ट, वेरी गुड। अब मुझे क्या निकालना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड, चलिए अच्छी बात है, समझ गए आपको कि कितना फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस का कितना है, 3500, और हमने कितना परसेंटेज निकाला था, 30 ना, अब बता 100, ठीक है, 1,0,1,0,1,0,1,0। अब क्या करेंगे हम इसको गुना करेंगे, तो गुना करो, तो गुना करने के बाद कितना आएगा, मेरे हिसाब से 1050 आएगा, 1050, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा तुमको, 7050, ये क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट, क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। अब उसके बावजूद मुझे क्या लेना है, ऑफिस ओवरहेड का कितना हम लोग का वर्क कॉस्ट का अमाउंट लेंगे, 7050 इंटू अब कितना, 10% निकाले थे ना, 200, ठीक है, 1,1 कट गया, 1,1 कट गया, तो 7
हाँ 705 निकला, 705 705 निकला कि नहीं निकला। अब जो हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो 7,775 क्या कहते हो, 55 ये क्या कर रहा है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट के बाद हमको प्रॉफिट भी करना है, करना है यहाँ पर लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट करना है, लेकिन रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस लेना है, आपके बुक में दिया है सेलिंग प्राइस, रिड्यूसेड सेलिंग प्राइस। अब कितना 12,600 माइनस 600 तो ये कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये 12,000 जो आ जाएगा तो अब मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट 4,245 ये क्या निकल गया, प्रॉफिट। अब ये यही तो हम लोगों को निकालना था, यही तो मेन चीज था, जो यही चीज तो हम सबको बता रहे थे कि यहाँ पे ध्यान देना कि देखो हम लोग को क्या निकालना था, प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग को अब यहाँ पे मेटेरियल्स तुम लोगों को दिया है 2500% में और वेजेस तुम लोगों का 3500 दोनों को जोड़ दो तो क्या निकला 6,000 ये क्या निकला प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग को क्या निकालना है, वर्क कॉस्ट, उसके लिए मुझे क्या लेना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज निकाल रहे थे, तो फैक्ट्री ओवरहेड को निकालने के लिए हम लोग वेजेस का अमाउंट लेंगे, वेजेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है 3500 और कितना परसेंटेज का 3500 काम कर दो 1050 जोड़ दो 7050 क्या निकला वर्क कॉस्ट। अब हम लोग को क्या निकालना है टोटल कॉस्ट, उसके लिए मुझे ऑफिस ओवरहेड लेना होगा, तो 7050 जो हम लोग का वर्क कॉस्ट का जो अमाउंट होगा उस पे निकलेगा इन, तो जितना परसेंट है 10% है 10/100 कितना निकला 705 मतलब 705 ये निकालने का इसको जोड़ दो 7,755 ये क्या निकल गया टोटल कॉस्ट। आप मुझे छोटो निकालना क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कोई बात बताया नहीं गया है, हम लोग का रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग का 12,600 था, इसमें से 600 हम लोग का सेलिंग प्राइस का जा रहा था, तो कितना बचा है 12,000 और 12,000 बचाते 12,000 में से 7,755 को माइनस कर देंगे कितना निकला 4,245 ये क्या निकला है प्रॉफिट, क्या निकला है प्रॉफिट। इस प्रकार से हम लोग ने आज पूरे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पे हैं और पूरे मैंने आज आप लोगों को दिया है एक तक, और जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है बनाने आप लोग बनाइएगा और इसको पूरा कीजिए और दिन और रात एक कर दीजिए। ऑनर्स होने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाता है कि कुछ बने कहीं पे सेटल हो जाए, क्योंकि ये सही वक्त के इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि ये हाथ से निकल जाने के बाद समय दोबारा नहीं आएगा। ऑनर्स अच्छा रहेगा, इसमें भी आप 70-80% भी स्कोर करते हैं और आपके पास थोड़ा डीपली नॉलेज होता है, तो आप कम समय में कहीं सेटल हो सकते हैं, और सेटल हो जाएंगे तो समझिए परिणाम चाहे जैसा भी हो मेहनत हमेशा लाजवाब और शानदार होनी चाहिए, मेरा कथन बार बार रहा है। तो जो जितने बच्चों ने हमारे पास में काम किया वो भी बच्चे शायद अवेलेबल 12 से काम किए और ऑनर्स तक भी किए, तो वो भी जानते हैं कि काफी हार्ड वर्क मुझे पसंद है, मैं भी करता हूँ और मैं भी कहता हूँ कि आप लोग भी हार्ड वर्क करना पसंद रखो, क्योंकि थोड़ा अभी मुश्किलात तो काफी ज्यादा आएगा लेकिन सफलता लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात तो आप लोग ने भी देखा जो इतने सालों आप लोग ने मेरे साथ जुड़ा काम किया, बहुत सारे बच्चों ने इतने सालों में काम किया, और मुझे ये नहीं लगता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, हमेशा मुझे ये लगता है कि मैं स्टूडेंट के लिए क्या नया करके मैं दूं और मैं उसके लिए मैं क्या करूं, तो ये हमेशा मैं एजुकेशन के लिए सोचता हूं और एजुकेशन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा एक ही सोच है कि यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कारणवश यदि उनको एजुकेशन सेक्शन में यदि पढ़ाई की दुनिया में कठिनाई आता है या आती है तो मैं उन्हें समर्थन भरपूर करूंगा, और आपको 500 में सभी ऑनर्स को पढ़ाया जा रहा है, मैं एक शिक्षक दिवस के रूप में मैं सभी छात्र छात्राओं सोशल मीडिया से लेकर के ऑफलाइन से लेकर हर चीज पर मैंने जारी कर दिया कि यही रहेगा फी स्ट्रक्चर और इसी पर मैं काम करूंगा। देखिए जो चीज में ज्यादातर स्वाद आता है ना वो चीज ज्यादा कड़क भी होता है, फॉर एग्जाम्पल चाय में यदि आधी डाल के पियेंगे ना तो कड़क चाय होती है लेकिन पीने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, जितना भी जुकाम दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के टीचर हैं और सभी का अपना अपना काम करने का अंदाज है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी हारना पसंद नहीं किया हूं, और यदि हारता हूं तो उसके पीछे मंथन करके उससे बड़ा कदम उससे बड़ा झपटा मारने के प्रयास में रहता हूं कि मैं कैसे मैं उसके लिए मैं बेस्ट मैं वर्क करूं। तो चलिए आपका जो बैच चल रहा है मॉर्निंग 6 o'clock टू 7 o'clock बहुत ही गति में चल रहा है, ऑनलाइन भी है, लेकिन हाँ यही मैंने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में यदि बच्चों के पास यदि ज्यादातर सुविधा यदि उनके पास नहीं होता है, बहुत दिक्कत है नहीं हो पहुंच पाते हैं, चलिए काफी ज्यादा गाँव से हैं या कहीं और से हैं, तो उनके लिए चलिए
ठीक है, लेकिन इनके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो मैं उन बच्चों को कहूंगा को आप ऑफलाइन करें, ऑफलाइन कंटेंट और क्वांटिटी के पावर को मेंटेन करके आपको रखेगा, और जब कोई भी एग्जाम में प्री तो निकाल लेंगे, मेंस निकालने के लिए आपको कोई भी एग्जाम में आपको दिन रात एक करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ लिख करके बहुत बच्चा कहता है कि मुझे नौकरी नहीं हुआ, सारा चीज खत्म हो गया, ये पटक गया। जी नहीं, ये गलत, आपके पास बहुत ऑप्शन है यार पढ़ने का, या सिर्फ बनो, या तो तुम लीडरशिप नहीं बनना है तो उसके बाद जो तुम कोई बिजनेस खोलो, या जस्टिस बनो, या उसके बाद यूपीएससी बीपीएससी, बहुत ऐसे है जो आपका एक चीज के बंद हो जाने से हम ये नहीं कह सकते हैं, एक चीज को खराब हो जाने से कि ये चीज नहीं संभव है। ऐसा रहता तो 12th फेल मूवी मनोज कुमार शर्मा का भी देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी है। तो एक चीज से आप किसी चीज को निराश नहीं कर सकते हैं, निरंतर प्रयास कीजिए। हाँ, एक ऐसा मार्गदर्शक आपको मिल जाए जीवन में जो हर संभव आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का वो पूरा प्रयत्न करें, और आप उन्हें अपना कीमती समय दें तो जरूर है आपको भविष्य बदलने में पूरा भरपूर योगदान देगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, ऑनलाइन के लिए जुड़ना है तो नाइट में है ऑनलाइन का बैच, 9:00 टू 10:00, लेकिन ऑनलाइन पे सिलेबस उस गति में नहीं रहेगा जितना ऑफलाइन में रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।